हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? तो चलिए आज की एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तारीख आज सितंबर 28, और जो आज का जो एडिटोरियल रहने वाला फ्रेंड्स, उसकी हम लोग वोकैबुलरी और इम्पोर्टेंट फ्रेजेस करने वाले हैं जी। वो वोकैबुलरी, वो वर्ड्स जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट हैं, आपको डेली करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। और वो फ्रेजेज जो कंटेक्स्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी होती हैं जी, ठीक है जी। वो हम सारी इस क्लास के अंदर करने वाले हैं जी। वर्ड्स और वोकैबुलरी के बेस पे क्विज रहेगा डियर, आपको क्लास के अंदर अटेम्प्ट करना है और आपको बताना है कि स्कोर आपका कितना रहा फ्रेंड्स। एडिटोरियल को हम लाइव एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को कैसे समझ सकते हैं जी, ठीक है। अगर उनके अंदर कुछ भी ग्रामर के कंसेप्ट अगर फॉलो हो रहे हैं तो हम क्लास के अंदर उनको भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है जी। और उसी एडिटोरियल के बेस पे हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक आरसी डिजाइन किया डियर, वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारा सारा बेस रहेगा एडिटोरियल के ऊपर जी, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपका आरसी वाला पार्ट यहाँ से कवर हो जाए फ्रेंड्स। तो जितने भी हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये आने वाले एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे सीडीएस एनडीए का हो या यूपीएससी का हो, सब एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट और बेनिफिशियल है जी, ठीक है। अगर आपको लगता हो कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, कुछ फायदा दे पा रहा हूँ, तो प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक एंड शेयर जी, ठीक है जी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज सेडिशन। सेडिशन चार्जेस सुना होगा आप लोगों ने, सेडिशन चार्जेस लग गए उसके ऊपर जी। सेडिशन चार्जेस का मतलब होता है कि ऐसे चार्जेस जो किसी को भड़काने के कारण लगाए गए हैं जी, ठीक है जी। सेडिशन का मतलब ही होता है किसी को भड़काना जी, दंगे वगैरह करवा देना। जैसे आप लोगों ने मूवीज वगैरह में सुना होगा कि उसने फोन कर दिया और वहां पे गोला बारूद कुछ फड़वा दिया जी, ठीक है, उसके कारण दंगे हो गए, तो सेडिशन चार्जेस के बेस पे उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा जी। इंसाइटमेंट का मतलब ही भड़काना होता है, राइट और रेबिलियन को, एजिटेशन, ट्रबल मेकिंग, प्रोवोकेशन जी, ठीक है। अच्छे वर्ड है एजिटेशन भी, इंसाइटमेंट जी, ठीक है। अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब क्लियर होता है जी, ठीक है। ऑब्वियस, एविडेंट, विजिबल, नोटिसिएबल और क्लियर, ठीक है, एक ही बात है। ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड पहली बात तो एक वर्ड हमारे एडजेक्टिव के तरीके से यूज होता है जी, ठीक है। ओवरबोर्ड का मतलब होता है किसी की लिमिट से परे चले जाना जी, ठीक है। और एक्सट्रीम की सेंस होती है ओवरबोर्ड में जी। अंडरबोर्ड का मतलब होता है उससे नीचे की सेंस जी, ठीक है। टू मच, एक्सट्रीम। गो ओवरबोर्ड का मतलब होता है मीन्स टू डू समथिंग दैट टू मच और गो टू एक्सट्रीम। गो ओवरबोर्ड का मतलब होता है कोई चीज एक्सट्रीम कर देना जी, ठीक है। ओवरबोर्ड का मतलब ही होता है एक्सट्रीम। डिसअफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है किसी से सेटिस्फाई होना या उससे उससे क्या होना, सिंपथी दिखाना, वो अफेक्शन होता है डियर, ठीक है। अफेक्शनेट सुना होगा आप लोगों ने वर्ड, अफेक्शनेट, ठीक है। अफेक्शनेट का मतलब प्यारा होता है जी। डिसअफेक्शन का मतलब होता है डिसेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंट, डिसग्रंटलमेंट। ग्रंटलमेंट अच्छा वर्ड भी है, ठीक है। हॉस्टिलिटी, फ्रस्ट्रेशन। तो हम लोग एक वर्ड के साथ साथ बहुत सारे वर्ड सीख रहे हैं जी। डिसकंटेंट का मतलब होता है डिसेटिस्फाइड, और कंटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में सीखा था डियर, ये वाला, ठीक है। ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराना, उसके सामने प्रेजेंट करना जी। एक फ्रेजल वर्ब के तरीके से काम करता है, इंट्रोड्यूस करना, स्टार्ट टू इन्वॉल्व, पार्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, जनरली लो वगैरह को होता है जी, ठीक है। हेटेड, हेटेड स्पीच सुनिएगा आप लोगों ने जी। हेट स्पीच होती है कि एक हेटेड स्पीच, हेट स्पीच तो क्या होती है डियर, जो किसी के बारे में क्रिटिसिज्म होता है जी। और हेटेड का मतलब होता है जो हमारी दुश्मनी को दिखाती है जी, ठीक है। हेटेड का मतलब एनमिटी, एंटीफैथी, एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी, रिजेंटमेंट और अवर्जन। अवर्जन का मतलब ही होता है कि उससे हमें घृणा है फ्रेंड्स, ठीक है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज को डिसोबे कर देना जी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, आप लोग सुना हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया, उसके ऊपर चार्ज लगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ मर्डर होता है डियर, ठीक है। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि ओबे ना करना, डिसरिस्पेक्ट कर देना जी, ठीक है। डिफाइंस, डिफाइंस अच्छा वर्ड है डियर। डिसरिगार्ड, डिसडेन, मॉकरी, एनिमोसिटी, ठीक है। क्रिमिनलाइज, क्रिमिनलाइज का मतलब होता है किसी चीज को इलीगल क्रिएट कर देना जी, क्रिमिनल की तरह क्रिएट करना, मेक समथिंग एन एक्टिविटी इलीगल जी, ठीक है। फिर हमारा सेक्शनिज्म, सेक्शनिज्म का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को जो एक कंट्री से है, एक साइड कर देना जी, ठीक है। सेक्शनिज्म का मतलब होता है जैसे मान लो रसिया था, यूएसएसआर था डियर, ठीक है, उसमें से बहुत सारे कंट्रीज थे, उनको क्या करें, साइड में कर दिया, सेक्शनिज्म कर दिया, सेपरेट कर दिया डियर। ऑफ अ स्मॉल रीजन ग्रुप, अ प्रैक्टिस और सिस्टम ऑफ सेपरेटिंग लिविंग फ्रॉम कंट्री और लार्जर ग्रुप ऑफ फैमिली फॉर्मली, मतलब एक काम ही होता है, उनका प्रैक्टिस होती है डियर कि उनको अलग करने की जी, ठीक है जी, वो सेक्शनिज्म होता है फ्रेंड्स। और सेपरेटिज्म का मतलब होता है कि उनके बीच में आपस में बातचीत नहीं बन रही जी, ठीक है। जैसे मान लो दो भाई होते हैं और दोनों भाइयों शादी हो जाएगी, बाद में क्या उनके बीच में आपस में मतभेद हो जाता है विचारों को लेकर जी, तो जो वो अलग हो जाते हैं उसको भी बोलते हैं सेपरेटिज्म जी, ठीक
ठीक है, डिसेशन क्या है, डिसेंशन, कॉनन कॉन्फॉर्मिटी, डिसेंट और फैक्शन। फैक्शन का मतलब ही अलग होना फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है रेबेलियन। एक रेबेलियन वर्ड होता है, एक रेबल वर्ड होता है जी, ठीक है। अगर आसान भाषा में बताऊं तो रेबल का मतलब होता है विद्रोही, ये पर्सन के लिए आता है ठीक है, और रेबेलियन का मतलब विद्रोह होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये विद्रोही होता है और ये विद्रोह होता है। रेबेलियन, अपराइजिंग, रिवोल्ट, इंसर्जेंसी, डिफाइंस, रेजिस्टेंस, डिसेंट, डिसऑबिडियंस, नॉन कॉन्फॉर्मिटी, ठीक है। रिवोल्ट और अपराइजिंग कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखना है इसका चीज। सबवर्सिव वर्ड है हमारे पास, सबवर्सिव एडजेक्टिव के तरीके से होता है। एक होता है सबमिसिव, दोनों वर्ड कर लेते हैं हम लोग। एक होता है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है दबू, जो हर एक किसी की बात को मान लेगा, अपने अपोज नहीं करेगा, वो सबमिसिव बंदा होता है। लेकिन सबवर्सिव क्या होता है डियर, जो दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है, जो भड़काने का काम करता है, ठीक है, जो दूसरे को वीक करने का काम करता है, वो तो सबवर्सिव जी। ट्रबल मेकिंग, इन्फ्लेमेटरी, एजिटेशनल, प्रोवोकेशन, रेबल राउजिंग। रेबल राउजिंग अच्छी वर्ड है डियर, कई बार आज को एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। डिसिडेंट, डिसलॉयल, अंडरमाइनिंग जी, ठीक है जी। वर्ड है एंडेंजर। एंडेंजर का मतलब किसी को खतरे में डालना, एक वर्ब होती है डी। रिस्क, पोटेट रिस्क, इम्पेरिल। इम्पेरिल बहुत बढ़िया वर्ड है जी। जेपरडाइज बहुत बढ़िया वर्ड है। इम्पेरिल थोड़ा वर्ड पेरिल होता है वर्ड रियर। पेरिल, पेरिल का मतलब ही होता है डेंजर, ठीक है। और इम्पेरिबल का मतलब उसको डेंजर में डालना चाहिए, ये वर्ब होती है डियर इम्पेरिल। जेपरडाइज का मतलब भी किसी खतरे में डालना चाहिए, थ्रेटन, डराना उसको, चीज ठीक है, अच्छा वर्ड है डियर, क्षमा कर लेना इसको। सोवरनिटी, सोवरनिटी होता है किसी की संप्रभुता, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। इंडिपेंडेंस भी बोल पाएंगे, इंडिपेंडेंस, सुप्रीम पावर, अथॉरिटी, सुप्रीमेसी, हेजेमनी, ऑटोमनी, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी होता है किसी भी बंदे की अपनी खुद की एक एकता होती है, इंटेग्रिटी जी, ठीक है। यूनिटी, यूनिफिकेशन, होलनेस, कोहरेंस, कोहेजन, टुगेदरनेस, सोलिडरिटी जी। पेनलाइज, किसी को पेनलाइज करने का मतलब उसको पनिशमेंट देना जी, ठीक है, पनिश करना, डिसिप्लिन में लेके आना, मीट आउट टू पनिशमेंट, ये अच्छा फ्रेज है डियर। मीट आउट टू पनिशमेंट का मतलब उसको पनिशमेंट के लिए रेडी करना जी, ठीक है। जेपरडाइज हम लोगों ने कर लिया, खतरे में डालना, इम्पेरिल, थ्रेटन, पुट एट रिस्क, पुट इन डेंजर, एंडेंजर जी, ठीक है, हम लोगों ने वर्ड सीखा था यहाँ से। मोब का मतलब होता है भीड़, और कैसी भीड़, डिसऑर्गेनाइज, जिसके ऊपर कोई काबू नहीं है, ठीक है, वो मूव होती है। लार्ज, डिसऑर्गेनाइज, और ऑफन वायलेंट क्राउड ऑफ पीपल। लिंचिंग, लिंचिंग का मतलब होता है किसी भी बंदे को पनिश कर देना, उसको मार देना, और ऐसे ऑफेंस को क्लेम करके जो एक मतलब लीगल नहीं है। लीगल का मतलब होगा कि सरकार ने नहीं बोला कि वो क्राइम है, लेकिन हम अपने जनमत संग्रह से मान लेते हैं कि क्राइम किया और उसको मार देना पर्सन को। एन एक्ट ऑफ पनिशिंग क्लिंग समवन बाय हैंगिंग और फॉर क्लेम्ड ऑफेंस बाय ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट लीगल ट्रायल, कि क्लेम कर दिया ऑफेंस, किसने गलती की है, किसके ग्रुप ऑफ पीपल ने कर दिया, कि लोग बोले कि गलत किया इसने और मार दिया उस लोगों को जी, लीगल ट्रायल के बिना जी, ठीक है, वो लिंचिंग होती है फ्रेंड। मोब लिंचिंग सुना होगा आप लोग, बहुत बार वर्ड आया था डियर, मोब लिंचिंग, कि भीड़ ने इकट्ठे होकर किसी को मार दिया जी, वो मोब लिंचिंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब होता है कि ऐसा क्राइम जो अपने प्रॉफिट और अपने फायदे के लिए किया जाता है जी, ठीक है। इट जनरली इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज फॉर सब्सटेंशियल प्रॉफिट जी, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए, वो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जितने भी माफिया वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइज क्राइम का तरीका होता है। ओमिशन का मतलब उस चीज को छोड़ देना, ठीक है, ओमिट कर देना जी, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ओमिट, ठीक है, ओमिशन डिलीट कर देना, एलिमिनेट करना, इरेज कर देना उसको, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देना, वो था ओमिशन। हेट स्पीच देखो आ गया, गाली देने की, डिसरिस्पेक्टफुल स्पीच को बोलते हैं हेट स्पीच। और हेटेड का मतलब क्या था, हेटेड, हेटेड का मतलब था एनिमिटी, दुश्मनी, रिलेट करके पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। अनेबल का मतलब किसी को एबिलिटी दे देना, अथॉरिटी दे देना, परमिट दे देना, लीगलाइज करना, सेंक्शन करना, वारंट करना, वैलिडेट कर देना उसको, ठीक है। ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग डियर, ठीक है, इंक्वायरी करना, हियरिंग, लीगल एक्शन लेना, उसके ऊपर वो ट्रायल होती है। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब अनाउंस करने की सेंस में होता है जी, सबके सामने वाइडली ओपन में अनाउंस कर दिया, वो प्रोक्लेम्ड की सेंस होती है डियर वहां से। एडजेक्टिव के तरीके से होता है डियर ये, इंडिकेट करना, सोन, अनाउंस करना, डिक्लेयर, और ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है कि जैसे भोपू बजा के सबके सामने कह देना जी, ठीक है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म डियर, यहाँ पे एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज हो जाएगा और वर्ब के तरीके से भी यूज हो जाएगा डियर। फिर हमारे पास वर्ड है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऑफेंडर का मतलब जो बात ना माने, प्रोक्लेम्ड का मतलब सबको बता दिया जी। ओबीसी बात है, एक इंडिविजुअल, एक बंदा है जिसको दोषी ठहरा गया कि उसने क्राइम किया है, और उसको वारंट दिया गया कि आप आपको अरेस्ट का वारंट आया और आप लोग जल्दी पेश हो जाइए, लेकिन वो पेश नहीं हुआ कोर्ट में और उसको अरेस्ट को इवेड कर गया, टाल दिया उसने अरेस्ट को जी, वो होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जी, ठीक है। मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा
पोस्टर लगा हुआ है कि ये बंदा मिसिंग है, इसके ऊपर 10,000 रुपये का चार्जेस है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है डियर, ठीक है। ऑफेंडर का मतलब क्रिमिनल होता, कल्प्रिट, दोषी होता, रॉन्ग डूअर, लॉ ब्रेकर, परपिट्रेटर, परपिट्रेटर का मतलब देशद्रोही होता सेंस में, ठीक है। इन अब्सटेंसिया, अब्सटेंसिया का मतलब अब्सेंट होना, तो अब्सेंट होने की सेंस में यूज करते हैं, अवे, आउट ऑफ, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट का मतलब एब्सेंट ही होता है डियर, ठीक है। सीजर, सीजर का मतलब अपने काबू में ले लेना, ठीक है, कैप्चर करना, ऑक्यूपाई करना, उसको टेक ओवर करना, ओवररन, एनेक्शन, इन्वेजन, एप्रोप्रिएशन और कॉन्फिस्केशन जी। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना जिसको जी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मैंडेटरी, मैंडेटरी बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है, वाइटल के सेंस में होता है, जरूरी के सेंस में होता है। बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब जरूरी है काम करना, ऑब्लिगेटरी है, नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, इंपेरेटिव है जी, अच्छे वर्ड सारे के सारे जी, ठीक है, ध्यान रखना इनका। वेलकम किसी को मतलब प्रोमिस करने की सेंस में होता जी, ठीक है, कोई जैसे मान लो कोई लोग आया उसको आपने वेलकम किया, इसका मतलब आप उसे खुश हैं जी, ठीक है। वेलकम, प्लीजिंग, एग्रीएबल, फेवरेबल, प्रोमाइजिंग और मच नीडेड जी। सो टू एक फ्रेज होता है डियर जो सेंस देता है ऑल्सो की, क्यों देता है, क्योंकि जो मेन पॉइंट होता है टू इसका, वो सिंपली एम्फोसाइज करने के लिए होता है किसी की चीज को, ऑल्सोनेस को, ऑल्सोनेस का मतलब वो भी है। जैसे मान लो किसी बंदे ने बोला कि मेरे पास लैपटॉप है, जिसने बोला कि मेरे पास लैपटॉप है जी एप्पल का जी, तो मेरे पास सो टू आई, मेरे पास भी है जी, तो एम्फोसाइज करने के लिए करते हैं डियर, ठीक है। डीम्ड, डीम्ड का मतलब माना गया, कंसिडर किया गया हो जी, रिगार्ड, एज जज और सपोज किया गया हो जी, ठीक है। सैंक्शन का मतलब अथॉरिटी देना, परमिशन देना जी, ऑथोराइजेशन, परमिशन, अप्रूवल, वारंट। बाकी जब मैं ट्रेनिंग में था डियर सब इंस्पेक्टर की, तो वहां पे एक वर्ड हम लोगों ने पहली बार सुना था ये, सैंक्शन का मतलब होता है अनुमोदित करना, क्योंकि जो हमारे सरकारी दफ्तर है डियर उनमें लगभग हमारी हिंदी भाषा यूज होती है डिफेंस में जी, ठीक है। तो मेरे को तो पहली बार वर्ड सुना था अनुमोदित, अनुमोदित का मतलब परमिशन देना जिसको, ठीक है। अथॉरिटीज, दो अथॉरिटीज ऑफिशियल होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं अथॉरिटीज जी, ठीक है। ऑफिशियलडम, पीपल इन चार्ज, गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी ऑफ सिस्टम जी, ठीक है। रिमांड पे लेना, रिमांड एक ऐसी टर्म होती है जो किसी को बंदी बनाने से पहले ट्रायल के बेस पे ली जाती है जी, ठीक है। द टर्म इज यूज फॉर रेफरिंग द सेंडिंग बैक ऑफ अक्यूज और प्रिजनर टू द कस्टडी ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, प्री ट्रायल डिटेंशन होता है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्रोविजनल डिटेंशन जी। अट्रैक्ट करने का मतलब ड्रॉ करना, उसको सामने इन्वॉल्व करने की सेंस में होता है। स्क्रूटनी, अच्छा वर्ड है डियर, स्क्रूटनी का मतलब एग्जामिनेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इंस्पेक्शन करना जी, ठीक है, वो होता है स्क्रूटनी करना जी। तो हम लोगों ने आज के एडिटोरियल के सारे सारे वर्ड सीख लिए, बहुत अच्छे वर्ड थे डियर, सीखने को बहुत कुछ मिला आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं फ्रेजेस जी, और फ्रेजेस के बाद हम करेंगे क्विज जी, ठीक है। और मैं हर बार कहता हूँ डियर, जो भी आपको नए वर्ड्स मिलते हैं प्लीज आप नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद आपको एक अच्छी वोकैबुलरी रेडी हो रही है जी, ठीक है। एक महीने में लगातार कर लोगे ना, आप पाओगे कि यस हमारे वोकैबुलरी का जो पॉइंट है डियर, जो हमारी एरिया है वो बहुत वाइड हो गया है जी, ठीक है। ये हमारी फ्रेजेस हैं डियर, देखो होता क्या, डिस्कस करने में कितना डिस्कस कर लूंगा डियर, लेकिन आपको उस वर्ड जब तक आपको खुद पढ़ के नहीं देखोगे डियर, जब तक याद नहीं होने वाली जी चीजें। टीचर और स्टूडेंट का यही एक रिलेशन होता है डियर, कि टीचर आपको उस चीज का वे दिखा दे कि कैसे करना है जी, ठीक है। और मैंने कहा कि रिविजन इज द की, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे चीजों को तब तक वो चीज नहीं आएगी आपको जी, किसी भी मामले, कोई भी सब्जेक्ट होती है, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ एक फ्रेज के तरीके से होता है, इसका मतलब इन कनेक्शन विद होता है, उसके साथ साथ जी, ठीक है, इन कनेक्शन विद, अप टू डेट विद, इन अलाइनमेंट विद, सजेस्ट टू कीपिंग पेस और स्टेइंग इनफॉर्म्ड अबाउट डेवलपमेंट जी, ठीक है। गिवन अब्स्ट्रूस नेम्स, गिवन अब्स्ट्रूस का मतलब होता है डियर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, जो आसानी से समझ में ना आए जी, ठीक है, कंफ्यूजिंग भी कह पाएंगे जी, ठीक है। रेफर टू नेमिंग समथिंग इन कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्क्योर वे दैट इट मे बी डिफिकल्ट फॉर पर्सन टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसे नाम बोल देना जिसको समझना बहुत मुश्किल हो जी, ठीक है। रिटेन्ड इन सब्सटेंस, रिटेन का मतलब उसको क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, सब्सटेंस का मतलब हो गया उसकी मेन चीज को जी, इसका मतलब ये कि द एसेंशियल और कोर एलिमेंट को क्या कर लिया गया है, प्रिजर्व कर लिया गया जी। क्वेश्चनेबल नीड, नीड का मतलब जरूरत, जरूरत के ऊपर क्वेश्चन लाइक कोई चीज होती है। सजेस्ट डाउट और अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द नेसेसिटी ऑफ समथिंग, कोई चीज डाउट लेके आए, अनसर्टेनिटी लेके आए किसी की नेसेसिटी के रिगार्डिंग जी, वो होता है क्वेश्चनेबल नीड। डी एंग्लिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ को डी एंग्लिसाइजेशन करना, वो होता है हमारा प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिमिनल लॉ लेस इन्फ्लुएंस्ड बाई और डिपेंडेंट ऑफ इंग्लिश और ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशन जी। मतलब डी एंग्लिसाइजेशन का मतलब होता है किसी भी लॉ को लेस इन्फ्लुएंस कर देना,
उसका असर कम हो और वो डिपेंड हो इंग्लिश, और जो इंग्लिश हमारे ऊपर ब्रिटिश जो राज करके गए उनके ट्रेडिशन के ऊपर बेस हो, वो होता है उसका डी एंग्लिसाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, इनेक्टेड अफ्रेश, इनेक्टेड का मतलब लागू करना उसके अंदर, ठीक है, अफ्रेश का मतलब बिल्कुल नया, रेफर टू एक्ट ऑफ पासिंग और क्रिएटिंग समथिंग एंटायरली न्यू, अचीव द सेम प्रोसेस, अचीव द सेम पर्पज, कोई चीज दोबारा वही पर्पज हासिल कर लेना, मीन्स दैट डिजायर्ड आउटकम कुड हैव बीन अटेंड, स्क्रूटनाइज बाय अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, स्क्रूटनाइज का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टिगेट किया गया है और कमेटी के द्वारा, ठीक है, इंप्लाइज दैट दीज न्यू लॉज विल बी थोरोली एग्जामिन्ड और रिव्यूड बाय अ कमेटी विद इन द पार्लियामेंट, ठीक है, सिंपल फंडा वही है, स्क्रूटनाइज का मतलब इन्वेस्टिगेट किया गया, ओवरबोर्ड टर्म्स, ओवरबोर्ड का मतलब एक्सट्रीम सेंस में, ठीक है, इंडिकेट दैट द टर्म्स वर टू जनरल और वाइड इन स्कोप, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम का मतलब तो सबको सब तक पहुंचेगी जो चीज, ठीक है, मिस यूजेबल प्रोविजन, मिस यूजेबल का मतलब होता है चीज का मिस यूज होगा, प्रोविजन का मतलब प्रावधान होते हैं, रेफर टू पार्ट ऑफ लॉ दैट माइट बी प्रोन टू मिस यूज और अब्यूज, उसका फायदा उठा लेंगे लोग, हेट स्पीच, किसी को हेटेड क्राइम वगैरह भेदभाव करना, वॉयलेंस का क्रिएट करें, ऐसी स्पीच को हेट स्पीच बोलते हैं, कंडक्ट ऑफ ट्रायल इन एब्सेंसिया, कंडक्ट ऑफ ट्रायल इन एब्सेंसिया मीन्स टू होल्ड अ लीगल ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड, मतलब क्या होता है सॉरी मतलब एक लीगल ट्रायल को होल्ड करना, उसको क्या करना, कंडक्ट करवाना, किसके एब्सेंस में, दोषी के एब्सेंस में होता है, कंडक्ट ऑफ ट्रायल इन एब्सेंसिया, मैंडेटरी वीडियोग्राफी ऑफ सीजर, सीजर्स का मतलब जो जब्त की गई चीज है उनकी क्या बनानी है, वीडियोग्राफी, और वो क्या है, जरूरी है भैया, ठीक है, रिक्वायर्स दैट वीडियो रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ आइटम सीज्ड और एज एविडेंस, उनकी वीडियोग्राफी बनानी जरूरी है जी, डीम्ड सैंक्शन, अच्छा वर्ड डियर, डीम्ड का मतलब कंसीडर गया, माना गया, सपोज किया गया, सैंक्शन का मतलब परमिशन, मतलब अगर आपको परमिशन ना मिले तो आप परमिशन सोच लो कि मिल गई आपको जी, जैसे मैं बोलूँ कि अगर 12 बजे तक आ गए तो भैया हम साथ चलेंगे, और 12 बजे बाद नहीं, 12 बजे तक नहीं आए ना तो मैं निकल लूंगा, तो ये डीम्ड सैंक्शन है जी, कहने का मतलब 12 बजे तक ही क्या है आपको अलाउ किया गया है, 12 बजे बाद मैं नहीं रुकूंगा जी, तो इंप्लाइज दैट इफ अथॉरिटी डू नॉट ग्रांट अप्रूवल विद इन अ स्पेसिफिक टाइम इट अज्यूम, ये माना जाएगा कि वो दे दी गई है जी, ठीक है, रिमांड प्रोविजन, रिमांड का मतलब किसी का क्या होता है, डिटेंशन, जैसे कई बार बंदों को रिमांड पर लेते हैं ना कि पूछताछ के लिए, और प्रोविजन का मतलब प्रावधान है जी, द रूल्स और रेगुलेशन रिगार्डिंग द डिटेंशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग जी, मतलब जब तक उसके ऊपर साबित नहीं हुआ है क्राइम तब तक उसको हम लोग लीगल प्रोसीडिंग के बेस पर रूल्स और रेगुलेशन बना रखिए, अपने कस्टडी में रख सकते हैं जी उसको, ठीक है, ये हमारी फ्रेजिस थी डियर, हम लोगों ने वर्ड सीख लिए आज क्लास के और फ्रेजेज भी सीख लिए, बहुत अच्छे फ्रेजेज और बहुत अच्छे वर्ड सीखे हम लोगों ने, अब इनके बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्विज करने वाले हैं जी, ठीक है, तो बी रेडी फॉर द क्विज, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है डियर, ये राज जी, मीनिंग बताना है सेडिशन का, मीनिंग क्या है जी, ठीक है, सेडिशन का मतलब होता है, मैंने बताया था कि जो लोगों को भड़काए, प्रोवोकेट करे जी, प्रोवोकेट करे जी, वो होता है सेडिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स सिनोनिम सेडिशन, ठीक है, एजिटेशन हो सकता है हमारा, कंप्लायंस मानने वाली सेंस होती है, तो कंजेनियल का मतलब होता है डियर किसी भी जनरल मतलब रेस से रिलेटेड होना, हार्मनी का मतलब पीस होता है डियर, आंसर क्या बनेगा डियर, एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब प्रोवोक भड़काने की सेंस में, ठीक है, ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड का मतलब मैंने बताया था कि एक्सट्रीम की सेंस में होता है डियर, एक्सट्रीमली नैरो, नैरो का मतलब होता है बायसनेस जी, मतलब पक्षपाती, पक्षपाती होना जी, वो होता है नैरो की सेंस जी, ठीक है, ओवरबोर्ड, एक्सट्रीमली वाइड और जनरल, यस, जो लोगों तक पहुंचेगी, एक्सट्रीम सेंस तक पहुंचेगी, ठीक आंसर हमारा ये बन सकता है, परफेक्टली बैलेंस नहीं होगा, माइंडली रेस्ट्रिक्टिव, नहीं रेस्ट्रिक्टिव तो होता नहीं वो हमारा जी, ओवरबोर्ड, सबवर्सिव, वर्ड क्या है हमारे पास, सबवर्सिव, सबवर्सिव का मतलब क्या होता है, जो लोगों को मतलब दंगे कराने में हेल्प करे जी, वो होता है सबवर्सिव जी, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, विच वर द एंटोनिम, एंटोनिम बताना डियर हम लोगों को, क्योंकि सिनोनिम तो मुझे भी दिख रहा था इनके अंदर, एंटोनिम बताना डियर, ठीक है, इसका मतलब जो लोगों की बातों को ना माने, दंगे कराने में आगे रहे, ठीक है, वो बंदा होता है, रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी नहीं होगा, कन्फॉर्मिस्ट का मतलब जो बातों को मानने वाला, ओबे करने वाला बंदा होता है डियर, ये एंटोनिम हो सकता है, इनसिंडियरी का मतलब होता है जो लोगों को इन्फ्लेम करे, उनके अंदर क्या क्या करे, भड़का दे बंदों को, वो इनसिंडियरी होता है डियर, इंसर्डेंट का विद्रोही होता है डियर, आंसर क्या बनेगा, सेकंड वाला, कन्फॉर्मिस्ट, ठीक है, लिंचिंग का मतलब मैंने बताया कि, ठीक है, विदाउट लीगल ट्रायल किसी बंदे को मार देना,
अब वोलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पनिशमेंट विदाउट लीगल ट्रायल। यस आंसर क्या बनेगा? बी वाला जी। पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होता, रिलीजियस सेरेमनी नहीं होती, लीगल ट्रायल नहीं होती डियर। मैंडेटरी, मैंडेटरी का एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है डियर, ठीक है। इसका बताना हम लोगों को क्लोजेस्ट, मैं सिनोनिम बताना डियर, ठीक है। वॉलेंट्री नहीं बनेगा, ऑप्शनल नहीं बनेगा, कंपलसरी बनेगा डियर, ठीक है। वाइटल, कंपलसरी, नेसेसरी, सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे डियर, ठीक है। इनफॉर्मल नहीं बनेगा डियर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड का मतलब हुआ किसी बंदे के ऊपर क्या है, चार्जेस लगा दिए और उसको कोर्ट में पेश होने के लिए बोला गया लेकिन वो नहीं आया, उसने अपना अरेस्ट को इवेड कर दिया डियर, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है डियर, ठीक है। सम नॉट अक्यूज्ड ऑफ क्राइम विद अ वारंट ऑन अरेस्ट 200 अपीयर टू इन द कोर्ट, सी बनेगा डियर, ठीक है। हैज बीन डिक्लेयर्ड नहीं, अ पर्सन हु हैज कन्फेस्ड टू क्राइम, कन्फेस तो कर ही लिया भैया उसने, कन्फेस नहीं किया सॉरी, ठीक है। लीगल एक्सपर्ट बनेगा जी। जेपर्डाइज का मतलब किसी को खतरे में डालना, ठीक है। एंडेंजर था वर्ड, एनहेंस नहीं करेंगे, सेफ गार्ड नहीं करें। इम्पेरिल, इम्पेरिल का मतलब क्या था, एंडेंजर था डियर, ठीक है, किया भी था हम लोगों ने। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन होता है डियर। थोरल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, यस क्या बनेगा, बी वाला। कैजुअल ग्लेस नहीं बनेगा, फ्रेंडली कन्वर्सेशन, हेटेड आर्ग्यूमेंट नहीं बनेगी जी, ठीक है। यस हमारे पास क्या था, 8 वर्ड थे डियर, आज 10 नहीं पाओ भाई, हार्ट ही वर्ड करेंगे डियर। और आई होप कि आपके 8 में से 8 नंबर ही आए होंगे जी, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं था जी। अगर आप लोगों ने वर्ड्स को ज्यादा सुना मेरे से और समझा है तो आप लोगों ने 8 के 8 वर्ड अच्छे तरीके से कर लिए होंगे डियर, ठीक है जी। तो चलिए अब हम एडिटोरियल को एनालिसिस कर लेते हैं डियर। आज का जो एडिटोरियल हम लोगों को डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड क्लास के अंदर, उसका नाम है रीबूटिंग द कोर्ट्स। रीबूटिंग का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेके आने हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा कंप्लीट चेंज कर देना है, नहीं, उसके अंदर चेंज लेके आने। जैसे अपडेशन आता है ना हमारे मोबाइल के अंदर, वो रिबूट करते हैं, रिबूट का मतलब जो पुराने फंक्शन है ना वो दोबारा नए हो जाए जी, ठीक है। उन्हीं फंक्शन को नया किया गया, ना कि दोबारा नए सिस्टम ला लेगा उसकी जगह जी, वो तो रिबूट करना जी। कोड्स कौन से, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट कोड, ठीक है, इनके ऊपर बात की गई है। ये तो एडिटोरियल का टाइटल होगा डियर, क्या होगा एडिटोरियल में वो ये लाइन बताएगी आप लोगों को। टोटली ये सार होता है ये लाइन पूरे एडिटोरियल का जी, ठीक है, समझना इस बात को। क्रिमिनल लॉज में नीड रिफॉर्म, कि क्रिमिनल जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको शायद रिफॉर्म की जरूरत हो सकती है, ठीक है। रिफॉर्म का मतलब उनके अंदर कुछ चेंज करने की, सुधार करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन नॉट न्यू और अनफेमिलियर नेम्स, लेकिन उनको नया नहीं करना, नया का मतलब उनकी जगह दूसरे रूल्स नहीं लेके आने और ना ही अनफेमिलियर नेम्स लेके आने, ये बात की गई क्रिमिनल लॉज पूरे एडिटोरियल के अंदर, ठीक है। पढ़ते हैं इसको अभी, ठीक है, बड़ा अच्छा एडिटोरियल लग रहा मुझे पढ़ने में, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। Few would disagree that laws require an overhaul from time to time so that they could be abreast of development in technology and changes in society. यहाँ पे word is of few. मैंने आपको क्लास के अंदर कई बार बताया भी है, एक word होता few, एक होता a few और एक होता the few. ये हमारा countable noun का numeral है dear, ठीक है। Few का मतलब होता कुछ, इसका मतलब भी कुछ और इसका मतलब भी कुछ, अगर हिंदी बनाएंगे। लेकिन अगर हम लोग कंटेक्स्ट के बेस पे करेंगे तो फ्यू का मतलब ना के बराबर, नेगेटिव मीनिंग होता है डियर। फ्यू पीपल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर, फ्यू बॉयज पास्ड एग्जाम, बिल्कुल ना के बराबर लोगों ने पास किया। अब फ्यू का मतलब सम की सेंस होता है डियर, कि ना वो पूरा ना वो कम। और द फ्यू का मतलब ऑल दैट इज अवेलेबल, जो भी थे सभी ने जी। तो फ्यू का मतलब बिल्कुल ना के बराबर लोग हैं जो डिसएग्री करेंगे, ना मानेंगे कि जो लॉज है उनको जरूरत है किसकी, ओवरहॉल की। ओवरहॉल का मतलब कंप्लीट चेंज, उसके अंदर सुधार की जरूरत है, ठीक है। ओवरहॉल करने की, चेंज करने की, फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके लिए कोई मना नहीं करेगा कि जो हमारे कानून बने हैं उनके अंदर टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। बहुत ना के बराबर लोग तो डिसएग्री करेंगे, ठीक है। क्यों क्यों होना चाहिए ऐसा, सो दैट दे कुड बी अब्रेस्ट। अब्रेस्ट का मतलब होता है उसके साथ साथ चलें, किसके साथ, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, इसके साथ चलें, और चेंजेस इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ चले, ठीक है। तो ये हमारे बताया गया कि क्यों जरूरत है ओवरहॉल करने की, चेंज करने की टाइम टू टाइम। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट होल न्यू कोड्स बी इंट्रोड्यूस एंड गिवन अब्स्ट्रूस नेम व्हेन इन सब्सटेंस द ओल्ड आर एसेंशियली रिटेन्ड। हाउएवर हालांकि क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सारे के सारे जो कोड्स हैं, होल न्यू कोड्स बी इंट्रोड्यूस, कि जितने भी कोड्स है सबको नया बना दिया जाए। नया का मतलब कंप्लीटली नया बना दिया। जैसे एक तो जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है डियर, उस बिल्डिंग में मरम्मत चलती रहती है, ठीक है, सुधार की जरूरत होती है, सुधार कर देते हैं जी। तो ये करने की जरूरत है, ना कि उस बिल्डिंग को तोड़कर नया बिल्डिंग बनाने की जी, ठीक है, ये बात की गई डियर। और ना ही उनको अबस्ट्रूस कोई अटपटा नाम देना है। व्हेन, जब
जब सब्सटेंस का मतलब बिल्कुल मेटेरियल की बात है, मेन चीज की बात है डियर, जब ओल्ड लॉ, जो पुराने कानून है असेंशियली रिटेन, जो उनको जरूरी ही रखा जाना चाहिए जी भैया। हाँ चेंज कर दो उनके अंदर, कुछ ना कुछ प्रावधान ले आओ, लेकिन कंप्लीट चेंज ना करो जी। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म, जो पहला क्रिटिसिज्म है, जो पहली निंदा की गई है इनकी, अबाउट द भारतीय न्याय संहिता BNS टू रिप्लेस, जो रिप्लेस करेगा इंडियन पेनल कोड को जी, ठीक है। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, जो रिप्लेस टू रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो इसको रिप्लेस करेगा, एंड द भारतीय सुरक्षा साक्ष्य बिल, सॉरी, टू रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो इनको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। पहला क्रिटिसिज्म ये है, यस यहां से देखना, द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये एक्चुअली में सब्जेक्ट है डियर, अबाउट हमारी प्रिपोजिशन है। इसके बाद जितना भी जो कुछ लिखा गया है ना, ये वाले कोड, ये वाला कोड, ये वाला कोड और ये वाला कोड, ये सारे के सारे इस अबाउट प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं डियर। तो इसका मतलब अभी तक वर्ब नहीं आई है डियर, वर्ब आई ये वाले जी, ये है वर्ब और ये है सब्जेक्ट हमारा जी, ठीक है जी। तो जो क्रिटिसिज्म है वो ये है, वो है दैट इट इज अननेसेसरी, ये जरूरी ही नहीं है, ये कोई काम का नहीं है कि रेफर करना टू देम होली इन देयर हिंदी नेम्स, ये जरूरी ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है उनको, टोटली आप हिंदी में ट्रांसलेट करो जी, जो इन्होंने बोला जी कि IPC को बोलेंगे ये भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। आगे देखते हैं, एवरी लॉ इन इंडिया हैज एन ऑफिशियल ट्रांसलेशन इन द रिस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एवरी स्टेट, हर एक लॉ को इंडिया में एक ऑफिशियल ट्रांसलेशन की गई है उसकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ऑफ एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में अपनी भाषा में उनकी हिंदी बना रखी है डियर। गुजराती वाले अपनी गुजराती यूज करते हैं, हरियाणा वाले हरियाणवी करते हैं, ठीक है, मतलब अपने तरीके से हिंदी यूज करते हैं, ठीक है, कर्नाटका वाले कर्नाटका जी, तेलुगु वाले तेलुगु, तमिल वाले तमिल जी, बंगाली वाले बंगाली जी, ठीक है। तो हर एक स्टेट अपनी ऑफिशियल ट्रांसलेशन करता है उसके जी। सो द नीड फॉर दी IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट टू बी रेफर टू इन देयर हिंदी नेम अलोन इज क्वेश्चनेबल, कि जो जरूरत पड़ी इनको, जो जरूरत पड़ी कि जो ये एविडेंस एक्ट है, जो हमारे कोड है, इनको सिर्फ हिंदी नेम में ही बोलना, वो क्वेश्चनेबल है कि क्यों बोलना भैया, IPC में क्या दिक्कत है जी, ठीक है। द क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ वॉज री इनेक्टेड 1973, दो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसको री इनेक्ट किया गया था, दोबारा लागू किया गया था 1973 में, इट इज नोन एज द CRPC, इसको CRPC के नाम से जाना गया 1973 में जी, ठीक है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1898 वर्जन, जो 1898 में जो वर्जन आया, जो पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था, ये कम्प्लीटली चेंज था ये वाला जी, जिसको री इनेक्ट किया गया था जी, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव टू हैव हिंदी नेम्स इज अपेरेंटली इज एन अटेम्प्ट टू सिंबलाइज द डी एंग्लिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, ओबीसी बात है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन एम है हिंदी नाम देने का, वो अपेरेंटली बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये अटेम्प्ट है, ये कि कोशिश की गई है कि सिंबलाइज करने की, क्या, डी एंग्लाइजेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। डी एंग्लाइजेशन का क्रिमिनल लॉ का मतलब होगा डियर कि जो क्रिमिनल लॉ ब्रिटिश ने बनाए थे, उनकी जो छाप हमारे पास थी इंडियन पेनल कोड, वो इंडियन पेनल कोड के अंदर छाप नजर आ रही है कि ये ब्रिटिश ने बनाए, वो छाप खत्म करनी है हम लोगों को। डी एंग्लाइज, डी का मतलब नेगेटिव लेके आना है, एंग्लिसाइजेशन का मतलब ब्रिटिश की चीजों को जी, मतलब जो जो भी चीजें हमें हमारा एहसास दिलाएंगे कि यस ब्रिटिश ने नाम रखा हो, हम चेंज करेंगे जी, कहने की बात ये डियर, ठीक है। हाउएवर, हालांकि क्या है, अ प्रीलिमिनरी स्क्रॉल थ्रू द न्यू लॉज इंडिकेट दैट मच ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज इज रिटेन्ड, जो प्रीलिमिनरी स्क्रॉल का मतलब हो गया, जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, थ्रू द न्यू लॉज, न्यू लॉज के द्वारा वो इंडिकेट करती है दैट मच ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज इज रिटेन, इन्होंने बोला कि देखो नाम नाम बदले हैं, लेकिन जो कोड है वो एज इट इज है जी, काम उसका वैसे ही करेगा जी, बस नाम बदले हम लोगों ने, सिंपल सी बात है कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ना, वो एज इट इज रखी हम लोगों ने उसकी जी, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया गया। इट रेजेस अ डाउट वेदर द चेंजेस आर फॉर टू फ्यू टू वारंट देयर बीइंग इनएक्टेड अफ्रेश, लेकिन ये फिर एक डाउट भी लेके आती है जी कि जो चेंजेस आप लोगों ने बोला कि वो बिल्कुल ना के बराबर है, फॉर टू फ्यू है जी, टू वारंट देयर बीइंग इनएक्टेड अफ्रेश, कि अगर चेंजेस ही नहीं किए गए तो दोबारा इनएक्ट करने की जरूरत ही क्या है। जैसे मान लो हम लोगों ने कोई किताब छाप रखी है डियर, ठीक है, किताब के अंदर हम लोगों ने लिखा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, कुछ भी लिख रखा इन्फॉर्मेशन जी, हम लोगों ने कोई भी इसको इन्फॉर्मेशन नहीं डाली उसके अंदर, और फिर हम लोग कि नया अपडेटेड वर्जन आ गया है, अरे अपडेटेड क्या, वो तो नया वर्जन नहीं था डियर, उसके अंदर आप लोगों ने कुछ चेंज तो किया ही नहीं। तो वही है कि ये एक डाउट को रेज करता है कि आप लोगों ने जो चेंजेस किए वो तो है ही नहीं, ना के बराबर है, फ्यू के बराबर है, क्या करने के लिए, कि वारंट करने के लिए उनको, कि अनेक्ट किया जाना है फ्रेश, कि नए तरीके से अनेक्ट किया जाए जी, ये अपने आप में एक डाउट लेके आ रहा है, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं इसके अंदर। एज डिलीशन एंड अमेंडमेंट्स मे हैव अचीव सम पर्पज, कि अगर आप लोगों ने कुछ डिलीट किया होता, कुछ अमेंडमेंट किया होता कि
हम लोगों ने ये किया गया है, तो हम मान भी लेते कि हाँ आप लोगों ने कुछ पर्पज के साथ किया इसको, ठीक है। इट इज सम कंसोलेशन दैट संहिता आज टू बी स्क्रूटनाइज बाई अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, द कंसल्टेशन प्रोसेस अपीयर इनएडिक्वेट। ये बताला कि कंसोलेशन का मतलब ये कुछ सांत्वना देने वाला है, ये कुछ सांत्वना देने वाला है कि जो संहिता वर्ड है आर टू बी स्क्रूटनाइज, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगी किसके द्वारा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। क्यों? कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो इनएडिक्वेट दिख रही है जी। कंसल्टेशन का मतलब है कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए, मतलब ओबीसी बात कहने का मतलब ये है कि डियर आप लोगों ने बोल दिया कि नाम ये रखेंगे जी, लेकिन इसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं हुई डियर। पहले तो बातचीत होनी चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो बातचीत का कुछ ना कुछ ठोस सबूत बाहर आना चाहिए, तब जाके हम माने कि यस कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए भैया, क्योंकि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है ना वो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त दिख रही है जी अभी तक। इसलिए क्या इसके ऊपर इसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा जी, ठीक है। आगे देखिए, इन सब्सटेंस द डिलीशन ऑफ सेडिशन इज वेलकम एंड इट्स अपेरेंटली इक्विवेलेंट द न्यू सेक्शन ऑफ न्यू सेक्शन 150 डज नॉट राइज द यूज ओवरबोर्ड टर्म्स सच एज प्रमोटिंग डिस अफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ब्रिंगिंग इट इनटू हेटेड और कंटेम्प्ट। थोड़ा बड़ा सेंटेंस डियर पढ़ेंगे, लेकिन इन सब्सटेंस का मतलब इस चीज को हम लोग अगर दृष्टि से देखें, हमारे क्लियरली तौर पे देखें इसको, तो जो डिलीट किया गया वर्ड सेडिशन है वो वेलकम है, मतलब वेलकम, हम इसको सराहना करते हैं जो आप लोगों ने वर्ड डिलीट किया है। एंड इट्स अपेरेंट इक्विवेलेंट, जो इसका नया वर्ड आप लोग लेके आए वो अच्छा है, मतलब क्लियर दिख रहा है। द न्यू सेक्शन 150 जिसका नाम हम लोगों ने इस सेक्शन में हटाया ये वर्ड, डज नॉट यूज ओवरबोर्ड टर्म्स, इसने ऐसी कोई भी टर्म्स यूज नहीं की जो लोगों को भड़काए, सच एज प्रमोटिंग डिसअफेक्शन, जिससे हम लोगों के बीच में नाराजगी आए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ब्रिंगिंग इट इन टू द हेटेड और कंटेम्प्ट। मतलब ऐसा इन्होंने जो सेडिशन वर्ड हटाया ना उसको हम वेलकम करते हैं, और जो ये इक्विवेलेंट भी दिख रहा है बिल्कुल बराबर से, बिल्कुल बैलेंस दिख रहा है हम लोगों को, कि इसने कोई भी चीज को ओवरबोर्ड टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं किया। ओवरबोर्ड टर्म्स का मतलब क्या होता है, जो लोगों से परे की बात होती है जी, ठीक है। सच एज प्रमोटिंग, कि इन्होंने प्रमोट किया हो किसी को डिसअफेक्शन की, लोगों के अंदर अराजकता फैला दी हो, लोगों के अंदर दंगे करवा दिए हो गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। बल्कि इसको तो क्या है, ब्रिंगिंग इट इनटू हेटेड कंटेम्प्ट, और ना ही इसने क्या है एनिमिटी और ना ही कंटेम्प्ट वाली बात कर रहा है जी, ठीक है जी। बल्कि क्या है, इट क्रिमिनलाइजेज प्रोमोटिंग सेक्शनिज्म सेपरेटिज्म आर्म्ड रेबेलियन बट इट ऑल्सो टारगेट सबवर्सिव एक्टिविटीज एंड एंडेंजरिंग द सोवरेनिटी Unity and integrity of India. Terms that should not be allowed to be misused. एक बात समझना आप लोगों को, yes, देखो यहाँ पे हम लोगों ने hyphen यूज किया dear, ठीक है। इससे पहले वाली जो information है ना, ये hyphen से पहले वाली और comma के बाद वाली जी, ये information extra information है जी। Extra का मतलब सर meaning में कुछ add करने के लिए लिखी गई है, काम इसका नहीं था जी यहाँ पे। समझाना क्या चाह रहा है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो सेडिशन वर्ड हटाए हम लोगों ने, ये क्रिमिनलाइज करेगा, इलीगल बना देगा चीजों को, क्या सेक्शनिज्म को जी। सेक्शनिज्म का मतलब होगा कि हमारी ही मर्जी होगी, कुछ भी हटाएंगे और कुछ भी जोड़ेंगे हम लोग जी, ठीक है। बड़ी बड़ी चीजों को कहीं से हटा देंगे, छोटी छोटी चीजों को वहां ले आएंगे, या छोटी छोटी चीजों को कहीं से हटा देंगे और बड़ी चीजों को वहां पे ले आएंगे, खेती हम कुछ भी ऐसा, मतलब सेक्शनिज्म का मतलब होगा कि छोटे पार्ट्स को बड़े से अलग कर देना जी। ये सेक्शनिज्म को प्रमोट करेगी, सेपरेटिज्म को प्रमोट करेगी, जहां लोगों अलगाववाद की बात वहां पे आएंगी, और आर्म्ड रिबेलियन बनाएगी। रिबेलियन का मतलब होता है कि विद्रोह की भावना लेके आएगी, बट इट ऑल्सो टारगेट, लेकिन ये टारगेट भी कर रही है कौन सी, सबवर्सिव एक्टिविटीज। सबवर्सिव का मतलब हो गया ऐसी एक्टिविटीज जो लोगों को भड़काऊ होती है, ये साथ साथ प्रमोट भी कर रही इन चीजों को। होता ना कि आप कोई काम करते हैं उसके दुख, उसके क्या है फायदे भी होते हैं नुकसान भी होता है, तो ये तो हमारा नुकसान है, लेकिन फायदा ये भी है कि सबवर्सिव एक्टिविटीज को बंद कर देगी। लोगों के मन में जो डर नहीं था ना कि आप कुछ भी कर लो और कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, उन एक्टिविटीज को क्या कर देगी, बंद भी कर देगी। और एंडेंजरिंग द सोवरनिटी, और लेकिन ये नेगेटिव भी है, एंडेंजरिंग द सोवरनिटी, जो संप्रभुता है, यूनिटी है और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को क्या कर देगी, उनको टारगेट कर रही है जी, ठीक है। टर्म्स दैट शुड नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज, कि इसको मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए जी, ठीक है। आगे देखिए, अनदर पोटेंशियली मिसयूजेबल प्रोविजन इज इन द न्यू सेक्शन 195 इक्विवेलेंट टू द सेक्शन 153 BIPC। जो नया सेक्शन है, जो एक मिसयूजेबल प्रोविजन, एक प्रावधान लेके आए हैं नए सेक्शन 195 में, जो इक्विवेलेंट है 153 BPC, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये पेनलाइज करेगा, ये पनिशमेंट देगा किसको, मेकिंग और पब्लिशिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जेपरडाइजिंग द सोवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने एक नया प्रोविजन लेके आए हैं
जो पनिशमेंट के लिए है उन लोगों के लिए जो फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लोगों तक वायरल करेंगे, जिससे हमें खतरा हो जाएगा हमारी संप्रभुता, यूनिटी को, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को जी। ये उसको पेनालाइज करेगा, पनिशमेंट देगा जी। ठीक है, एक तो इन्होंने लिए वाला कुछ इन्होंने क्रिमिनलाइज किया, अगर मान लो आप लोग कुछ कर पा रहे हो डियर वहां पे, आप लोगों ने कुछ भी चेंज किए हैं, तो इससे ये चीजें दिक्कत होने वाली है। और एक ये पेनालाइज करने वाला कि इन्होंने एक प्रावधान बनाया जो पनिशमेंट देगा इन इन चीजों के लिए जी। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, व्हाइल मॉब लिंचिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम आर न्यू सेक्शन, जो मॉब लिंचिंग है ये एक नया क्राइम है, और ऑर्गेनाइज का मतलब अपने फायदे के लिए किसी को मार देते हैं, एक नया क्राइम है, ये एक नया सेक्शन खुल के आ रहा है सामने जी। अ सिग्निफिकेंट ओमिशन इज हेट स्पीच, इसको किसको ओमिशन किया गया है, हेट स्पीच का ओमिशन किया गया है, इवन दो डिफाइनिंग इट, अ सिग्निफिकेंट ओमिशन इज हेट स्पीच इवन दो डिफाइनिंग इट एंड पनिशिंग इट हैव बीन अंडर डिस्कशन फॉर सम इयर्स। जो ये मॉब लिंचिंग है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, हेट स्पीच है, इनको डिफाइन करने की बजाय, पनिश करने की बजाय भैया अभी तक क्या ये डिस्कशन में ही है कि मॉब लिंचिंग पे क्या किया जाना चाहिए। जो गौ हत्या, गौ रक्षक पहले आए थे, मॉब लिंचिंग कर देते थे कि ये गौवों को मार रहा है और उसके जो आदमी को मार देते थे जी। मतलब अभी तक ये डिस्कशन के अंडर है जी, अभी तक कोई ठोस इसके ऊपर कानून नहीं बना दिया। ठीक है, द प्रोसीजर कोड एनेबल्स कंडक्ट ऑफ ट्रायल ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन एब्सेंसिया, जो प्रोसीजर कोड है वो एबिलिटी दे देगा क्या करने की, ट्रायल देने की, ट्रायल करने की, किसके ऊपर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन एब्सेंसिया, जो लोगों को बुलाया गया था कि आप लोगों को यहाँ पे आना है और आप लोग अपनी अपनी क्या है गवाही देनी है, लेकिन वो नहीं आए, उनको उनके ऊपर ट्रायल करने की क्या दे देगा, अनेबिलिटी दे देगा। अनेबिलिटी का मतलब ये क्या कर पाएंगे, ट्रायल कर पाएंगे जी। जैसे मान लो किसी बंदे ने मॉब लिंचिंग में किसी का नाम आ गया, मान लो सोहन का नाम आ गया डियर, सोहन थोड़ा ऐसे लिखा जाएगा डियर, ठीक है, तो सोहन बंदे को पुलिस ने बुलाया कि भैया आपके ऊपर ऐसे चार्जेस लगे और आप जल्दी से पेश हो कोर्ट में, लेकिन पेश नहीं हुआ भैया। तो ये जो नया अमेंडमेंट हुआ है, इसके कारण वो उसके ऊपर लीगल ट्रायल कर सकते हैं, ट्रायल ले पाएंगे उसको, रिमांड पे ले पाएंगे जी, ये उनको एबिलिटी दे देगा जी। ठीक है, मेकिंग वीडियोग्राफी ऑफ सीजर्स मैंडेटरी इज वेलकम, कि जो आप लोगों ने जब्त किया, किसी भी पुलिस ने, किसी भी बंदे ने कुछ भी सीज किया, जब्त किया, उसकी वीडियोग्राफी बननी चाहिए, किसके तौर पे, एक जो आप लोगों ने एविडेंस के तौर पे उनको जब्त किया है, मैंडेटरी इज वेलकम, कि वीडियोग्राफी जरूर बननी चाहिए जी। सो टू, और साथ साथ क्या है, प्रोविजन फॉर डीम सैंक्शन इफ अथॉरिटीज फेल टू ग्रांट इट विद इन 120 डेज, अगर मान लो कोई अथॉरिटी है आपको अलाउ नहीं कर पा रही, तो वो जो प्रोविजन होगा वो सैंक्शन माना जाएगा। डीम सैंक्शन का मतलब हो गया, अगर आप 120 दिन के अंदर आप कोई जवाब नहीं देते ना, तो मान लिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दीजिए। ठीक है, हाउ एवर द रिमांड प्रोविजन सीम्स टू परमिट पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द करंट 15 डेज लिमिट, ये कह रहा है कि जो रिमांड प्रोविजन है, जो रिमांड पे लेने की जो प्रावधान है, वो पुलिस को परमिट देने की, उनको अलाउ करने की बात चल रही है कि इनको 15 दिन से भी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, रख सकते हैं जी, 15 दिन के रिमांड पे रख सकते हैं पुलिस, लेकिन अब क्या ज्यादा रखने की सेंस में बात कर रहे हैं जी। अट्रैक्टिंग सम क्रिटिसिज्म, अब ये और क्रिटिसिज्म को अट्रैक्ट कर रहा है जी, मतलब 15 दिन में आप उसे उगलवा नहीं पाए बंदे से, तो 15 दिन बाद क्या उखाड़ लोगे भैया, कहने का मतलब ये जी। ठीक है, द न्यू लॉज नीड क्रिटिकल स्क्रूटनी बट नॉट न्यू नेम्स, जो नए लॉज हैं उनको क्रिटिकल स्क्रूटनी की जरूरत है, क्रिटिकल स्क्रूटनी का मतलब हो गया कि उनको ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन की जरूरत है, ना कि नए नाम की जरूरत है जी। ठीक है जी, ये पूरा एडिटोरियल था हमारा, बड़ा अच्छा एडिटोरियल था, ये समझने में बड़ा मजा आया डियर आप लोगों को। ठीक है, अब इस एडिटोरियल के बेस पे हम लोग करते हैं हमारे क्वेश्चन जी, बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, यस, ये हाईलाइट है डियर, मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट जानबूझ के ऐड करने लग गया। हाईलाइट का मतलब क्या होता है डियर, एक्चुअली में तो पिछले वाले एडिटोरियल की डियर, सॉरी फॉर दैट। यस, अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है डियर, यस, तो क्वेश्चन पढ़ना आप लोगों को और आंसर करना है जी, क्या आंसर हो सकता है जी, कॉपी पेन साथ में रखना और अपना बाद में मिलाना कि आंसर आपका ठीक था या गलत था जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी क्रिटिसिज्म मेंशन इन द प्रेसेस रिगार्डिंग द प्रपोज्ड न्यू लॉज, पहला क्रिटिसिज्म पहला क्या था जो पैसेज में मेंशन किया गया जी। ठीक है, वो बताना है, पहला दे इंट्रोड्यूस अननेसेसरी चेंजेस, यस हो सकता है कि इन्होंने अननेसेसरी चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जो जरूरत ही नहीं थी डियर, हो सकता है ये। दे लैक ऑफिशियल ट्रांसलेशन हिंदी, नहीं ट्रांसलेशन तो आती है भैया उनको, अबस्ट्रूस नेम देना, अबस्ट्रूस नेम देना बाद की बात थी डियर, ये फोकस टू मच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नहीं आंसर क्या होता है, अननेसेसरी चेंजेस दिए गए, ये पहला क्रिटिसिज्म किया गया था जी। ठीक है, व्हाई डज द ऑथर क्वेश्चंस द यूज ऑफ हिंदी नेम्स फॉर दीज न्यू लॉज, कि ऑथर ने क्यों क्वेश्चन उठाया कि हिंदी नेम की जरूरत ही क्या है नए लॉज को जी, मतलब क्या क्या क्वेश्चन उठाया जी, क्यों उठाया क्वेश्चन वो बताना आप लोगों को जी। ठीक है,
टू लाइन विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अलाइन सोसाइटी के साथ जुड़ना है, नहीं भैया, टू सिंप्लीफाई लीगल टर्मिनोलॉजी, कि लोगों को इनियल पेनल कोड समझ में नहीं आता था, अब ये संहिता समझ में आएगा सभी को, नहीं भैया, टू मेक दम मोर अपीलिंग टू द पब्लिक, अपीलिंग का मतलब क्या होगा कि लोगों को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए, कि जैसे एक तो मान लो कातिल वर्ड लिखे हम लोग और एक लिखे मतलब हथियारा, हथियारा ठीक है, तो दोनों के अलग अलग मतलब एक ही है लेकिन अलग अलग सेंस दे रहे, दोनों अलग अलग इमोशन दे रहे हैं जी, तो वही है अपीलिंग बनाने के लिए, नहीं आंसर क्या है एम्फसाइज करने के लिए, डी एंग्लिसाइजेशन कोच, ठीक है डी एंग्लिसाइजेशन कोच, ये जो ब्रिटिश की छाप हमारे ऊपर उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने नाम बदल रहे हैं जी। नेक्स्ट वाला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रपोज्ड न्यू लॉज, आपको बताना है कि पैसेज के अकॉर्डिंग क्या एक ऐसा पॉजिटिव एस्पेक्ट आया है जो नए लॉज के बारे में है जी, पॉजिटिव एस्पेक्ट बताना मतलब हम लोगों को, हम लोगों ने डिस्कस किया था एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका, ठीक है, दे कंप्लीटली रिप्लेस ओल्ड लॉज, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, दे फोकस ऑन प्रमोटिंग डिसअफेक्शन, अगर डिसअफेक्शन को प्रमोट करेगा तो पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, दे क्रिमिनलाइज प्रमोटिंग सेक्शनिज्म, यस इसको क्रिमिनलाइज कर दे, क्रिमिनलाइज का मतलब होगा ऐसा कोई भी जो चीजों को ए लगाओ अराजकता फैलाएगा उसको क्या कर देगा क्रिमिनलाइज कर देगा जी, इसलिए आंसर क्या बनेगा डी सी वाला, दे रिटेन द ओरिजिनल लैंग्वेज, नहीं भी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिटेन करने की बात नहीं है। What issues not addressed is in the proposed new laws despite discussion in recent years? क्या क्या मतलब उसके अंदर कौन सा एड्रेस नहीं किया गया नए लॉज में जो डिस्कशन हो रहा है अभी रिसेंट ईयर्स में जी, मोबलिन सिंह के ऊपर तो हो रहा है डिस्कशन, ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर हो रहा है, हेट स्पीच के ऊपर हो रहा है, आंसर किसके ऊपर नहीं हो रहा, सेडिशन के ऊपर नहीं हो रहा डियर, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है ये भी ठीक है, ठीक है ये भी, मोबलिन सिंह सेड सेडिशन ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ पोटेंशियल कंसर्न मेंशन इन द पैसेज रिगार्डिंग रिमांड प्रोविजन इन द न्यू लॉज, पहली बात है कि क्या एक पोटेंशियल कंसर्न मेंशन किया गया है पैसेज में किसे रिगार्डिंग, रिमांड प्रोविजन इन द न्यू लॉज, मतलब रिमांड जो हमारा प्रावधान है उसके नए लॉज में जो हम लोगों ने प्रावधान लेके आए हैं उसके ऊपर पॉलिटिकल कंसर्न क्या मेंशन किया है वो हमें बताना है डियर, मतलब मेन पूछा गया ये कि पोटेंशियल कंसर्न क्या है जो मेंशन किया गया पैसेज में किसके, रिमांड प्रोविजन के ऊपर जी, ठीक है, कि क्या चिंता है कि ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो 15 दिन की लिमिट बढ़ाने के लिए था ना, ब्लाउ कस्टडी डू नॉट परमिट, नहीं भैया, अट्रैक्ट कर रही क्रिटिसिज्म फॉर टू लीनियंट, कि टू लीनियंट 15 दिन तक मजे उड़ाते हैं, नहीं भैया, द रिक्वायर्ड थॉट टू ग्रांट सेक्शन विद इन वन, नहीं भैया, बल्कि ये वाला कि ये 15 दिन से ज्यादा लिमिट बढ़ा रहे हैं जी, इसका आंसर क्या बनेगा डी, डी वाला बनेगा जी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिगार्डिंग द न्यू लॉज, हमें रोल बताना है क्या बनेगा डियर, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपको क्वेश्चन देखना है उसका आंसर कमेंट करना फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन में इतना ही करने वाले हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको लगता है कि यस कुछ भी अगर और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको कुछ और चीजें हैं जो इसके अंदर ऐड होनी चाहिए, तो आपका जो सजेशन वो वेलकम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमें ये डिस्कस करना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।